अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम। ट्रेवल टू सिंध में खुश आमदीद कहते हैं सभी दोस्तों को। जैसा कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ। दोस्तों, ये आज हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, ये है नेक शरीफ, जो सेवन शरीफ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। देखो कितना खूबसूरत और दिलकश मनाजिर हैं यहाँ पे, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं और कितनी हरियाली है पहाड़ों के दरमियान, और इन पहाड़ों के दरमियान चश्मा भी वाक़ है जो दूर है, वहाँ हम नहीं पहुँच सकते, नहीं जा सकते। ये नहीं कि रास्ता नहीं है, रास्ता है, मगर हम अभी टाइम की वजह से हम वहाँ नहीं जा रहे। तो आप ये देख रहे हैं पहाड़ों के दरमियान कितनी सब्ज हरियाली है, कितने दिलकश, कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। यहाँ पंचतन बाग दिखाई दे रहा है आपको, जो जहाँ पे आपको सब्ज हरियाली ज़्यादा दिखाई दे रही है वो मौला अली का बाग कहलाता है, पंचतन बाग। हम आपको वहाँ के अंदर के भी मनाजिर दिखाएंगे। दोस्तों, ये हैं पंचतनी बाग के अंदर के मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये आप जो नीचे देख रहे हैं ये चश्मे की नदी जा रही है, चश्मे का पानी है। ये देखें कितना साफ पानी, और नीचे की तह भी नज़र आ रही है आपको, कितना साफ सुथरा पानी, नेचुरल पानी। देखें कितना खूबसूरत और साफ सुथरा पानी, जो आप मिनरल वाटर पीते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा 100% साफ सुथरा पानी है ये। ये हैं और ये अंदर के मनाजिर, आइए मैं अंदर और चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ के मनाजिर। मौला अली पंचतन पाक का कितना खूबसूरत दिलकश मनाजिर अंदर के बाग के, हरियाली हरियाली है जबलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, देखो कैसी हरियाली है। ये देखें दोस्तों, अंदर तलवार भी पड़ी हुई है, देखें दोस्तों, ये है मौला अली पंचतन पाक का बाग, जो नेक शरीफ में वाक़े है।